विषयान् प्राश्य भोगान् सविष्टान् पश्चाचन्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनिष्ठा परित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वशो नस्तु धीरः। अथर्ववेदीय मांडुक्य उपनिषद के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य नाम में था, तभी जो भाव यहाँ पे बैठा हुआ है उस प्रकरण के ऊपर विचार करते वक्त तो हम लोग समाप्त पे पहुँच गए। यहाँ पे पहला प्रकरण आता है आगम प्रकरण, मतलब श्रुति प्रमाण के आधार पर, श्रुति वाक्यों के आधार पर तात्पर्य जगत अर्थ यही है कि जगत में पारमार्थिक सत्यत्व नहीं है, उसको आप युक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं। उसको समझाने के लिए कि द्वितीय प्रकरण आया हुआ था विमता मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्नवा मुख्य अनुमान नहीं था, उस अनुमान प्रमाण के आधार पर और भी अनुपयुक्त काल अनुपयुक्त देश किसी के द्वारा सहमति नहीं है और भी प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, इन सभी कारणों से उसको जो है मिथ्या अस्पष्ट बोध होता है। स्वप्न जगत के लिए वस्तु के बारे में सत्य नहीं है, ऐसा निरूपण करने के बाद अब मतलब आगम प्रमाण के द्वारा और युक्ति के द्वारा जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है ऐसा निरूपण करने के बाद ग्रंथकार यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए ये सृष्टि आदि दिखाई पड़ते हैं अभी कुछ पारमार्थिक वस्तु नहीं है, न निरोध न जो उत्पत्ति न बद्ध न साधक न मुमुक्षु न विमुक्त ये पारमार्थिक स्थिति यही है कि न कोई निरोध करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्पत्ति नहीं है, ये तुम्हारी कल्पना मात्र है, इसीलिए कोई बंधन भी नहीं है कोई साधक भी नहीं है, इसीलिए कोई अलग करके मुक्ति नहीं है क्योंकि मुक्ति तुम्हारा स्वरूप है, बंधन की मान्यता दे करके तुम मुक्ति शब्द प्रयोग करते हो, वहाँ पे बंधन मुक्ति दोनों शब्दों के प्रयोग नहीं है, इसीलिए मुक्ति नहीं है तो मुमुक्ष कहाँ से होगा, ऐसा हमारी पारमार्थिक स्थिति है। इसको स्पष्ट करने के लिए इस प्रतिज्ञा वाक्य को हेतु के रूप में कहते भावे असद्भिदेव अयम अद्वयेन च कल्पित भाव अपि अद्वयेन एव तस्मात् अद्वयता तस्मात् अद्वयता, जो भी कुछ वस्तु दिखाई दे रहा है ये जो है असद्रूपी है परंतु वो सतरूपी अधिष्ठान के ऊपर अल्पित होने के कारण वो भी सतरूप में प्रतीति होती है, इसीलिए कल्पना काल में भी वो है नहीं करके इस प्रकार एकत्व के भाव में बैठो क्योंकि एकत्व के भाव ही सबसे कल्याणकारी है ना, तस्मात् अद्वयता से यहाँ पे जिसको कहीं करता है या फिर जो है किसी के पीछे अस्पष्ट हेतु दे रहा है क्यों कुतश्च अद्वयता से किस कारण से, क्योंकि यहाँ पे कुछ पृथक करके कोई वस्तु का निरूपण नहीं होता, पृथक और पृथक दोनों रूप से आप इसको निर्वचन नहीं कर सकते, इसलिए बोलते हैं न आत्मभावे न नाना इदम न श्वेना भी कथन जन, आत्मा के साथ अधिष्ठान के साथ एक होकर के जब देखोगे तब तो नाना तो है ही नहीं और इसको अलग अलग करके जब देखोगे तब तो उसका अलग अलग सत्य ही सिद्ध नहीं होता, इसीलिए पृथक भी नहीं है भिन्ना भी वे कानून, इसलिए आप बोलते हैं पृथक भी और पृथक दोनों रूप इसमें निरूपण नहीं किया जाता, यदि कौन कहते हैं जो सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ में आएगा अधिकारी और इसका जो है लाभ क्या है इस प्रकार करने वो कथन करने के लिए 35 नंबर हम लोग पढ़ लिए इस श्लोक को एक बार सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे 35 नंबर श्लोक को पढ़ लिए थे और भाष्य भी करेंगे वीतराग भय क्रोध मुनि भेद पार गई निर्विकल्पो यम दृष्ट प्रपंचो पश्चात्रय। तो तीन ऊपर जो दिया है
शब्द ये तीन आधिकारिकों ने निर्माण करके दिया। कौन इस प्रकार जगत के व्यथात्व को ठीक से समझ सकते हैं, बीत राग भय संसार के किसी विशेष को न खोने की डर न पाने की इच्छा, दोनों चाहिए, न खोने की डर न पाने की इच्छा। बीत राग भय क्रोध मतलब ये जो विगत राग प्रीति और न खोने खो जाएगा इसी का मन डर होता है, इसके भय बीत राग भय क्रोध, जब राग भी नहीं है भय भी नहीं है तो क्रोध कहाँ से आएगा। इस प्रकार मुनियों के द्वारा इस प्रकार मनन शुद्धि जो लोग हमेशा तथ्य चिंतन में मन को लगाते रहते हैं, इस प्रकार मुनियों के द्वारा और किस आधार पर तत्व को चिंतन करते हैं, वेद के आधार पर शास्त्र अनुकूल तर्क के द्वारा सिद्धांत का वेद पार गई, वेद की पार तक गया हुआ है जो लोग उन लोगों के द्वारा है ना, उनको तीन विशेषण दिया। एक हो गया बीत राग भय क्रोध है मुनि वीर वेद पार गए, इस प्रकार के व्यक्ति विषय मतलब क्या हो गया जिसके अंदर से काम क्रोध अथवा राग देश निकल गया और जो मनक्षित है मतलब चित्त को बस चित्त संयम हो गया और चित्त संयम करने के लिए कोई बाहरी प्रक्रिया को नहीं अपना विचार को ही अपनाया है ना, चित्त मन को चित्त को लय करने के लिए मन को लय करने के लिए ज्ञानियों की प्रक्रिया अलग है योगियों की प्रक्रिया अलग है। योगियों की प्रक्रिया है संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के माध्यम से चित्त वृत्ति को निरत करते हैं और ज्ञानी कैसे करते हैं वेदों पार गए वैदिक विचार के द्वारा शास्त्र चिंतन के द्वारा जगत के मिथ्यात्व निश्चय हो जाने के कारण जागतिक वस्तु संबंधित चिंतन ही चित्त लय प्राप्त करते हैं। ये इनकी प्रक्रिया से बोलते हैं क्यों ऐसा हुआ क्योंकि निर्विकल्प ही अयम दृष्टि, ये जो आपको अयम प्रपंच निर्विकल्प दृष्टि इसमें कोई विकल्प नहीं है बस एक ही तत्व पूर्ण है ऐसा उन लोगों के द्वारा देखा गया है। प्रपंच उपशम अद्वय क्यों कैसे देखा गया क्योंकि संपूर्ण प्रपंच अधिष्ठान के ऊपर लय प्राप्त करते हैं अधिष्ठान को, जो अधिष्ठान केवल मात्र है प्रपंच उपशम तक हेतु क्या है क्योंकि अधिष्ठान में भी भेद रहे तत्व को चाहिए। प्रपंच उपशम अद्वय निर्विकल्प अयम आत्मा दृष्ट अयम अधिष्ठान दृष्ट, ये प्रपंच उपशम अद्वय निर्विकल्प अयम सब प्रथम एक वचन गोचरम आचरती आशंका हो क्यों ये जो आपने तस्मात अद्वैता शिवा अद्वैता कल्याणकारी है ऐसा आपने कहा फिर भी ये सबके लिए विषय क्यों नहीं बनता तदनुकूल आचरण क्यों नहीं करता। प्रतीति गोचरम आचरति वो प्रतीति के विषय बनकर तदनुकूल आचरण क्यों नहीं करता ऐसा कोई शंका करता है तो ये तो सामान्य व्यक्ति के लिए समझ में नहीं आएगा ये इसलिए इसलिए पहले अधिकारी को निरूपण कर दिया वीतराग भय क्रोध है मुनि भी वेद ये अधिकारी आर्थिक प्रति प्रतिबंधक क्या है अद्वैत दर्शन में विषय के प्रति राग अद्वैत दर्शन में भेद दृष्टि में राग होने के कारण ये हमसे भिन्न है कुछ समारोह में प्रयोजन सिद्ध होगा इसी से कारण जो है हमारा अद्वैत मतलब दृष्टि खुलती नहीं है इसके हमें बोलते हैं रागादि प्रतिबंध विधुराणाम एव यथोक्तम अद्वैत दर्शनम न सर्वेषाम इति अर्थ ठीक है ना क्या बोला राग आदि आदि से क्या लेंगे राग भय क्रोध अथवा जो भी हमारा जो अशुभ के रूप में हमारा शत्रु के रूप में अंदर बैठे हुए काम क्रोध लोभ मोह ये सब जो बैठा ये निकल गया जिससे इसलिए होते हैं यही प्रतिबंधक है रागादि प्रतिबंध विधुराणाम इस रहित व्यक्तियों का रागादि प्रतिबंध विधु रागादि प्रतिबंध निकल गया जिन लोगों में से है ना ईश्वर उनके लिए ही यथोक्तम अद्वैत दर्शन ये जो उपरोक्त जो अद्वैत दर्शन ये जो है उन लोगों के लिए सामान्य न सर्वेशम सभी व्यक्ति के लिए नहीं है इति अर्थ इसका अभिप्राय करते हैं। अब भगवान भाष्यकार श्लोक को तात्पर्य मान इस श्लोक में अभिप्राय क्या है किस किस लिए कहना चाहते हैं उसको कहता देखकर सम्यक दर्शन स्तूयते ये सम्यक दर्शन मतलब अद्वैत दर्शन मतलब एकत्व दर्शन भेद की अदर्शन इसका स्तुति करने के लिए ये श्लोक यहाँ पे कहते हैं। ये स्तुति क्यों यहाँ पे कर रहे हैं स्तुति का क्या उपयोगिता है स्तुति की उपयोगिता क्या है बोलते हैं देखो स्तुति तद उपाय प्रवृत्त उपकरति इति स्तुति इसलिए करते हैं इस अद्वैत भाव को प्राप्त करने के लिए जो उपाय है उस उपाय को प्राप्त करने के लिए तो साधन को अपनाने के लिए हमारे अंदर रुचि उत्पन्न किसी व्यक्ति को मैंने यदि कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो विद्यार्थी आते हैं ना इसमें विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं
सब सुन लिया तो सोच के ठीक है देखते हैं उसको ये करते हैं उसको बात करते हैं। इसी प्रकार से जब यहाँ पे हर जगह पे स्तुति आख्यायिका ये सब क्या होता है कि विषय के ऊपर रुचि उत्पन्न करने के लिए। इस प्रकार हमारे मुंडक शुरू में जो है परंपरा की वर्णन करके भगवान भास्कर लिखते हैं हमारे मन में ये बैठना चाहती है सुखी माता कि इतने महान ऋषियों ने इस पर इस सिद्धांत को अपनाया इसलिए हमें भी बहुत आयास इसको प्राप्त किया है इसलिए जो है हमें भी करना चाहिए क्योंकि हम ही तो यही ढूंढ रहे हैं। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे स्तुति स्तुति के अर्थ है तर उपाय प्रवृत्तो उसके लिए उपाय है उस उपाय में प्रवृत्ति होने के लिए उपकार उसमें उपकार करते हैं विशेष उपाय में प्रवृत्ति होने के लिए उपकार करते हैं स्तुति विशेष है इसका अंदर आगे जोड़ना पड़ेगा। अब आइए भाष्य वित राग भय क्रोध भय द्वेष क्रोधादि सर्व दोषे सर्वदा है ना कि विगत राग भय द्वेष क्रोधादि सर्व दोषे पहले आपको क्या करना पड़ेगा विगत राग भय द्वेषादि सर्व दोष मतलब निकल गया क्या निकल गया भय राग द्वेष क्रोध ये सब जितना जो है हमारे आत्मज्ञान के लिए प्रतिबंधक बैठा हुआ है उस प्रतिबंधक निकल गया है जिस व्यक्ति से उसका क्या बोलेंगे विगत राग भय क्रोध ठीक है। और उस प्रकार व्यक्तियों के द्वारा तही है ना तब जाकर होगा विगत राग भय क्रोध ही पहले भोगी समाज बना करके फिर तृतीय तृतीय भोगवचन इसी हमने विगत भय विगत राग भय द्वेष क्रोधादि सर्व दोषे एक सामान्य निष्ठा जो शब्द होता है ना वो सामान्य निष्ठा निष्ठा पथ को सबसे पहले रखना पड़ता है और उस निष्ठा पथ का जितना आगे पद आ रहा है सबके साथ करना ही होता है मतलब समझ में गत गम धर्म का निष्ठा रूप है गत विभूषण लगा विगत ये पहले आपको समझ में इसको पहले लगाना अब आगे जिसके साथ दीर्घ विगत है जितना पद आपने दिया इस पद का सबके साथ अन्वय हो वेरी फंडामेंटल कंसेप्ट है समझ में तो तब क्या हो जाएगा निकल गया राग निकल गया भय निकल गया द्वेष निकल गया क्रोध इस सब जिससे निकल गया एक एक पद उसके साथ अन्वय है ना। इसलिए शब्द शैली को बनाने के किसी भी क्या शैली है उसको समझ में आ जाए तो अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है कि क्या नहीं होता यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो आदि पद दिया हुआ है आदि ठीक है ना देखो टीकाकार लिख रहे हैं आदि पदेना सम्यक दर्शन प्रतिबंधक सर्वे दोषा संग्रहन्ते वहाँ पे जो आदि पद दिया हुआ है आदि एक ऐसा शब्द संस्कृत में किसी भाषा में प्रयोग किया जाता है वो कई चीज को ग्रहण करा देते जितना आप कहना दिया और जितना नहीं कह पाया दर्शन सब को ग्रहण करा देते इसलिए भगवान भन रहे हैं वहाँ पे जो ठीकादार बोल रहा है अब वहाँ पे जो आदि पद दिया कहाँ आदि पद दिया है विगत राग भय द्वेष क्रोध आदि वहाँ पे जो आदि पद है वो आदि पद क्या ग्रहण करेगा आदि पदेना सम्यक दर्शन प्रतिबंध का सर्वे दोषा सम्यक दर्शन की प्रतिबंधक के रूप में जितना भी दोष हमारे अंदर बैठा हुआ है उससे निकल जाने पर ही सम्यक दर्शन होता है सर्वे दोषा उसको संग्रहित उसको संग्रह दिया जाता है ठीक है। आदिपतेन सम्यक दर्शन प्रतिबंधक सर्वे दोषा संग्रहन्ते देखिए अब यहाँ भी प्रतिबंधक प्रथम बहुवचन दोषा प्रथम बहुवचन बंध सर्वे सप्तम एक वचन होगा कि नहीं होगा वहाँ पे जो अभी टीका पढ़ा ना हमने सम्यक दर्शन प्रतिबंधक सर्वे दोषा संग्रहन्ते वहाँ पे सब आगे पीछे इधर है तो तुम्हें वो वचन तो समझ में आ रहा है आकार के साथ विषय का लगा वही भी दोष है प्रथम प्रथम वो वचन शब्द में एक वचन नहीं है जिसे सर्वे चंगुरी हंत उसको सभी का उसमें ग्रहण हो जाता है। अच्छा फिर क्या बोलते हैं सर्वदा ये नहीं कि कुछ देर के लिए इसको देखो मनुष्य नक्षत्र बताया था वर्तमान अधिकारी व्यक्ति से अधिक अधिकतर व्यक्ति जो है कृत रूपक्ष के पुरुष होते थे पहले हाँ कृत उपस्थित पुरुष अधिक होते थे फलत उन लोगों को ज्ञान प्राप्ति और ज्ञान को धारण करने के बाद जीवन मुक्ति का आनंद भी अच्छा ये होता था। और वर्तमान में क्या होता है वैराग्य की तीव्रता साधक से हो सकता है कुछ देर के लिए आपने जो है मन को दबा दिया ज्ञान हो गया परंतु जीवन मुक्ति स्थिति में जो आनंद प्राप्त होता है वो थोड़ा सा कम रहेगा इसीलिए वहाँ पे मनोनाश और जो है वासना क्षय इसको अभ्यास करना
बोलते हैं ना वहाँ पे। अब इसी के यहाँ पे बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं सर्वदा। देखो भाष्यकार बोलते हैं सर्वदा, उपन नहीं है सर्वदा। हाँ सर्वदा मीन्स गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट। भीतर आग भय क्रोध करके आपने जो है थोड़ी देर के लिए मन को तो रोक लिया और ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हुआ, परंतु क्या हो जाएगा फिर उस भाव को बना के रखने के लिए हमेशा तत्व चिंतन मन में चलता है। इसलिए सर्वदा है ना, सर्वदा क्या मुनि भी मतलब हमेशा मननशीलता को बना के रखे, हमेशा मननशीलता को बना के रखे। मुनि भी मननशील ही, मनन करना ही स्वभाव है जिसका, मननशील मतलब स्वभाव, मनन करना स्वभाव है जिसका। इस प्रकार व्यक्तियों के द्वारा वो उठाती थी वहाँ व्यक्तियों के द्वारा नहीं चलिए हम सर्वदा। तो यहाँ पे देखिए टीकाकार लिखते हैं रागादि विमोह को, टीका में रागादि विमोह को यदा कदाचित अनधिकारी नाम अपनी संभवति अत विषय नष्ट। मान लीजिए कि जो हमारे लिए साधन चतुष्ट संपन्न अधिकारी नहीं होने पर भी कुछ देर के लिए आप अपने क्रोध के ऊपर अपनी वासना के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु उतना मात्र से आप ज्ञान को धारण नहीं कर रहे। इसलिए बोलते हैं रागादि विमोह, राग आदि से विमुक्त हो जाना ज्यादा कदाचित, जब कभी कभी ज्यादा कदाचित अनधिकारी नामक जो उत्तम अधिकारी नहीं है उनका भी संभव है, उनको हो सकता है। अतः विशेष इसीलिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे श्लोक में नहीं होने पर भी अपने आज विशेष विशेष करके कहा सर्वदा। ये भाव को हमेशा बना के हमेशा, ये हम लोग दिन भर लगे रहते हैं क्या अभिप्राय है, यही है हमेशा एक ही भाव में रहे। इसका मतलब हम खाना नहीं खा रहे कभी और कभी नहीं, वो तो अपना भाव की एक धारा बना रहे और इसी अभ्यास से हम लक्ष्य में पहुँचते हैं। इसलिए बोलते हैं सर्वदा रागादि विमोह को जला कदाचित अनधिकारी नामक संभव होती, अनधिकारी भी कभी कभी हो सकता है कि क्रोध अथवा राग को आप दबा देंगे, परंतु आप हमेशा नहीं रहने पर क्या हो जाएगा ज्ञान की आनंद है वो नहीं होगा क्षेत्र हो जाता है। इसलिए बोलते हैं सर्वदा। अच्छा फिर ठीक है, सदा रागादि व्यवृत्त विवेक हेतु प्रपंच, ये जो हमेशा के लिए जो है हमेशा के लिए आपको क्या करना है कि राग देश को आपको छोड़ना है। इसके लिए क्या है हमारे लिए विवेक चाहिए। अच्छा विवेक आने से वैराग्य भी आएगा तो राग देश अपने आप ही निकल जाएगा। विवेक आने से वैराग्य भी आएगा, विवेक आने से वैराग्य भी आएगा और वैराग्य के फलस्वरूप क्या होगा कि राग दोष भी हमको परेशान नहीं कर सकता है। सदा रागादि व्यवृत्ति हमेशा के लिए राग देश आदि से अपने को रहित रखने के लिए विवेक और हेतु क्या चाहिए हमको, विवेक रूपी कारण को विस्तार से करना चाहिए। और विवेक आएगा कैसे कि शास्त्र अध्ययन के माध्यम से बार बार विचार कर उसको विवेक, इसलिए होता है विवेक हेतु प्रपंच। इसी को शब्द दिया मुनिभिर, मुनिभिर मतलब मननशील ही विवेकी भी, मननशील शब्द बोल गया तो भगवान भाष्कर क्या लिख रहे हैं विवेकी व्यक्ति मननशील होता है। हमारे मन में कोई चिंता आया यदि आप मन के ऊपर दृष्टि रखते हैं ये चिंता हमारे मतलब साधन में जिसको हम प्राप्त करना चाहते उसके अनुकूल है कि प्रतिकूल है, जैसे ये विवेक जागृत हो जाए तुरंत आप उस चिंता हटा सकते हैं। इसलिए बोलते हैं विवेकी भी। फिर आया है ये विवेक हमारे अंदर जागृत कैसे होगा, है ना विवेक जागृत कैसे होगा, तो बोलते हैं वेद पार गई अवगत वेदार्थ तत्व, जिनके वेद की तात्पर्य गत अर्थ जिन लोगों के द्वारा जान लिया गया ज्ञानी भी है ना, ज्ञान ज्ञानी होने के द्वारा वो जो है हमेशा के लिए राग देश चला जाता है। उसको लेके यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं विवेकी च पद शक्ति वाक्य तात्पर्य च परिज्ञानम करना। इस प्रकार के विवेक उत्पन्न आपको कैसे होगा, विवेक उत्पत्ति के लिए हेतु क्या होते हैं, पद की शक्ति वृत्ति से क्या अर्थ है और उस वाक्य की तात्पर्य किसमें है, ये विचार करते रहेंगे तो आत्मनात्म विवेक स्पष्ट होते हैं। देखिए ये वेदांतिक साधन है क्या बोल रहे हैं विवेक और इस प्रकार के विवेक उत्पत्ति में पद शक्ति है ना, पद में शक्ति वृत्ति से जो अर्थ बात है उस शक्ति का वाक्य तात्पर्य और उससे तात्पर्य किसमें है इसको जो समझते हैं परिज्ञानम विवेके कारणम, जो परिज्ञानम विवेके कारणम इस प्रकार के ज्ञानी विवेक के लिए कार्य करने के कारण होता है। विवेके च पद शक्ति वाक्य तात्पर्य च परिज्ञानम कारणम इति आह, ठीक है आपको विवेक को जागृत करने के लिए शास्त्र वाक्यों की
सत्यवृत्ति से क्या अर्थ है, उसका तात्पर्य इसमें है। इस प्रकार से यदि आप ठीक ठीक बार बार मन में ला पाते हैं तो विवेक भी जागृत हो जाएगा और राग देश भी आता है। इसी को देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि विवेक ही जब पद सकते, देखिए मतलब स्टेप्स कितना स्टेप दिखा रहे हैं, कैसे हमको यहाँ पे पहुँचना है। हमने एक एक मतलब उनकी बात को आधार लेकर के बात को भाषा की बात को लेकर के हमारे पास विवेक कैसे हो, और इसलिए हमारा मन मननशीलता कैसा है, है ना, उसको करने के लिए बोलते हैं कि विवेक ही जब पद सत्य वाक्य तात्पर्य सच परिज्ञानम कारण वृत्ति आहार किसी को मन में रखते क्या बोलते वेद पार गई, वेद की पार तक गया हुआ है जो व्यक्ति उन व्यक्तियों के द्वारा वेद पार गई मतलब क्या हो गया कि अवगत वेदार्थ तत्व वेद में लिखित विषय को कहा गया है उसकी तत्व को जिसने समझ लिया ज्ञान भी है ना, इस पर ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा एवं सम्ञान अधिकारिणम साधन चतुष्ट संपन्नम उक्त्वा तद विषय निरूपयति, ठीक है ना, अधिकारी का निरूपण कर दिया पहले यहाँ का अधिकारी पितराग भय क्रोधित मुनिभिर वेद पार गए, इन प्रकार इन व्यक्तियों के द्वारा ही तत्व ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता। तत्व ज्ञान का विषय क्या है, तत्व ज्ञान का अधिकारी बता दिया, अधिकारी के बाद विषय, ठीक प्रयोग अधिकारी विषय एक खुद शब्द है, अधिकारी क्या बता दिया यहाँ पे वीरराग भय क्रोधित मुनिभिर वेद पार गए। अब जो है निर्विकल्प ये हो गया विषय, अयम आत्मा निर्विकल्प दृष्ट, कोई विकल्प नहीं रह जाता मन में, कोई विरुद्ध चिंतन तो अनेक चिंतन, एक विकल्प मतलब क्या होता है अलग अलग, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, एक इस प्रकार से मन भावना होते हैं, एक नहीं खत्म है, बस एक आत्मा अधिष्ठान ही सत्य है, इसे होता है निर्विकल्प वर्तनी के लिए सर्व विकल्प शून्य अयम आत्मा दृष्ट, समस्त विकल्प से नहीं ये आत्मा उनके द्वारा देखा दृष्टों पर इनको उपलब्ध मतलब वो अनुभव करते हैं वेदांत अर्थ तत्पर ही, वेदांत अर्थ में तात्पर्य रखने वाला तत्परता के साथ अर्थ को समझने वाला इस प्रकार के व्यक्ति इस विषय को समझते हैं। इस बोलते हैं दो नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रहे हैं, सर्व विकल्प शून्य सर्व इत्यादि प्राणादि आरोपित धर्म शून्य इति अर्थ, ये जो मैं अपने ऊपर प्राण से लेकर के पंचकोश का आरोप हमने कर रहा ये आरोप ये आरोपित वस्तु पारमार्थिक वस्तु नहीं है, इस प्रकार से निश्चय है क्या कैसे होते हैं सर्व विकल्प शून्य अयमात्मा, अयमात्मा के हमारा स्वरूप दृष्ट दृष्ट शब्द का अर्थ क्या कर दिया उपलब्ध है ना, जो अनुभव में आते हैं फिर कौन है उपलब्ध शब्द, अब देखिए फिर टीकाकार बोलते हैं आत्मनश्चाक्षुषत्व आशंकां वारयति, अब बोला दृष्ट जब दृष्ट बोला मतलब आँख से देखा गया नहीं, ये आँख से देखने के तो वस्तु नहीं, मतलब चाक्षुषत्व मतलब इंद्रिय गोचरत्व किसी भी इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जा सकता, आत्मन आत्मा में इंद्रिय गोचरत्व रूपी धर्म नहीं बैठा हुआ है। यदि कोई कहता है कि देखा मतलब क्या आँख से देखा, बोलते नहीं नहीं उसको निराकरण करने के लिए क्या शब्द प्रयोग किया भाष्यकार उपलब्ध आत्मनश्च चाक्षुषत्व आत्मनश्च चाक्षुषत्व आशंकां वारयति, ठीक है ना, चक्षुषी भव चाक्षुषत् चक्षु के द्वारा जिसको देखा जाता है अथवा चक्षुषु हो इदम अद्भुत शब्द है चाक्षुषत्व धर्म आशंकां वारयति उपलब्ध। अब मूल में आया हुआ देखिए ही शब्द निर्विकल्प ही अयम दृष्ट, ठीक है, आत्मा कैसे दिखाई दिया समस्त विकल्प से रहित आत्मा दिखाई दिया ही शब्द द्योत्यमर्थम आह, यही मतलब इसी से ही आप जान सकते हैं, किससे जान सकते हैं तो बोलते हैं ही शब्द द्योत्यम अर्थ, श्लोक में जो ही शब्द कहा गया है उस ही शब्द से द्वारा जिसको प्रकाशित करना चाहते हैं कारिकाकार उसको भाष्यकार दिख रहे हैं, श्लोक में आए हैं ही शब्द के द्वारा कालिका का जिस चीज को प्रकाशित करना चाहते हैं उसको भाष्यकार दिखा रहे हैं वेदांत अर्थ तत्पर है, वेदांत में कहा गया जिस विषय को उसमें तत्परता है जिन व्यक्तियों का उन लोगों के द्वारा ये देखा जाता है कि किसी भी अर्थ किसमें छुपा हुआ है ही, मतलब वेदांत विचार से ही ये दृष्टि होती है, ठीक है ना, ही में से ही शब्द द्योत्यम अर्थम अहम, ही शब्द के द्वारा प्रकाशित हो रहा है जो विषय उसको भगवान भाष्यकार बोलता है वेदांत अर्थ तत्पर है, सोचिए जरा
कि एक एक शब्द कारिका के उसके साथ भाष्यकार की पर और उन दोनों में कनेक्शन भाष्यकार इस शब्द में उपयोग किया कारिका कौन शब्द के आधार पर ऐसा अर्थ लिख रहा है इसका कनेक्शन जो सामान्य बुद्धि की बात नहीं है एक एक करके शब्दों को ऐसे कनेक्ट कर देना ये मदद के दिल है बहुत विचार करने के बाद ऐसा स्पष्टता है वेदांत अर्थ तत्पर तो क्या वहाँ पे कहा प्रपंच उपशम प्रपंच उपशम का शांत हो गया था प्रपंच विस्तार धातु है इसका प्रपंच बंध है उससे तो वहाँ पे बोलते हैं उपशम हो जाते हैं प्रपंच मतलब क्या हो गया द्वैत भेद विस्तार प्रपंच का अर्थ क्या हो गया ये भेदात्मक जो विस्तार है द्वैत प्रपंच दिखाई पड़ता है उसका द्वैत भेद विस्तार उसका तस् उपशम प्रपंच उपशम और क्या समास हुआ प्रपंच उपशम में दो पद दिखाई दे ना ना प्रपंच उपशम में दो पद दिखाई दे रहा है एक प्रपंच हाँ षष्ठी तत्व षष्ठी तत्व प्रपंच का उपशम हो जाए देखो आगे प्रपंच मतलब द्वैत भेद विस्तार तस्य उपशम ठीक है ना तस्य उपशम मतलब अभाव द्वैत प्रपंच को नहीं दिखाई देना भेद नहीं दिखाई देना अब देखिए यस्मिन ठीक है ना द्वैत प्रपंच का अभाव हो गया जिसमें वो हो गया आपका प्रपंच उपशम प्रपंच उपशम आप हो गया मतलब षष्ठी तक पुरुष गर्भित बहु बड़ी समस्या षष्ठी तत्पुरुष समाज गर्भित भोगी समाज प्रपंच का उपशम हो जाता है जिस आत्मा में वो हो गया प्रपंच उपशम अच्छा अब प्रपंच उपशम हो जाने पर अब शून्यवाद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा क्यों नहीं आएगा क्यों देखो क्या शब्द प्रयोग किया जिस आत्मा में ऐसा है तो क्या हो गया मतलब शून्यवाद की प्रसक्ति नहीं है क्योंकि वहां पे दिखा बहुत ही समझ प्रयोग किया घुमा दिया ना फिर षष्ठी तत्पुरुष दिखा करके षष्ठी तत्पुरुष गर्भित बहुत ही समझ है प्रपंच का उपशम हो जाता है जिस आत्मा में तब प्रपंच उपशम होने पर भी आत्मा तो बचा नहीं सिर्फ शून्यवाद की प्रसक्ति नहीं है ठीक है शब्द प्रयोग की शैली को देखिए बोले प्रपंच उपशम प्रपंच मतलब द्वैत भेद विस्तार तस् उपशम उपशम मतलब अभाव जिसमें उसका अभाव हो जाता है जिस अधिकरण में स आत्मा प्रपंच उपशम वो आत्मा हो गया प्रपंच उपशम जिस आत्मा में कोई विस्तार नहीं है समस्त प्रपंच शांत हो जाता है अतएव अद्वय इसलिए आत्मा भेद रहित है अतएव अद्वय अब देखिए जैसा प्रपंच उपशम अद्वय में लग रहा है कि जो प्रपंच उपशम है वही तो अद्वय है तो एक ही शब्द दो बार बोलते नहीं नहीं यहाँ पे कार्य हेतु भाव है ये प्रपंच उपशम हुआ इसलिए वो अद्वय भेद रहित है अब देखिए इसको पट्टिका कर समझेंगे हम ठीक है तो प्रपंच उपलब्ध मतलब हो गया उपलब्ध मूल में आया है निर्विकल्प ही अयम दृष्ट प्रपंच उपशम अद्वय तो दृष्ट शब्द का अर्थ करते उपलब्ध वेदांत अर्थ तत्पर वेद किसकी किसके द्वारा वेदांत के अर्थ को तत्परता के साथ समझ वाले व्यक्ति के द्वारा फिर आया प्रपंच उपशम बोलते हैं प्रपंच मतलब द्वैत भेद विस्तार तस् उपशम मतलब उसका अभाव जिस अधिकरण में हो जाता है स आत्मा अयम शब्द करते हैं स आत्मा प्रपंच उपशम वो आत्मा हो गया प्रपंच उपशम वाला अतएव अतय क्योंकि वो प्रपंच है नहीं उसमें इसीलिए वो भेद रहित है इसीलिए फिर अतएव अद्वय अब देखिए टीका का क्या शब्द प्रयोग सर्व विकल्प शून्यत्व आत्मनस्फोट हेतु है ना समस्त विकल्पना से रहित है आत्मा इसको स्पष्ट करने के लिए प्रपंच उपशम इति विशेषण इसका विशेषण हो गया प्रपंच उपशम आपका नॉमिनेटिव सिंगुलर है ठीक है ना और अयम नॉमिनेटिव सिंगुलर अयम आत्मा प्रपंच उपशम ये आत्मा समस्त भेद से रहित है ठीक है उसका विशेषण हो गया है ना आज क्योंकि आत्मा समस्त भेद से रहित है इसलिए आत्मा अद्वय है सर्व विकल्प शून्यतम आत्मा समस्त विकल्पना से रहित आत्मा का जो धर्म है उसको स्पष्ट करने के लिए स्फुट है जो प्रपंच उपशम इति विशेषण प्रपंच उपशम इस प्रकार का विशेषण दिया गया है आत्मन अभावत्व बहुप्रियन प्रत्युदस्यते आत्मा का कभी अभाव नहीं होता ये कैसे दिखा बहुप्रिय समझ करके दिखा दिया जिसमें सारा प्रपंच उपशम हो जाता है मतलब आत्मा का शांत नहीं होता है आत्मनो अभावत्म आत्मा की जो अभावत्व की शंका होता है वो बहुप्रिय समझ के द्वारा माध्यम से प्रतिदिन उसका निराश किया जाता है
यस्मिन पंच पंच जना प्रतिष्ठित आकाशस्य उदये बिरला नहीं है। अरे पंच पंच जना पच्चीस तत्व करके जो शांकवादी इसको जो है ना एक शंख उपशंक अधिकार आता है ब्रह्म सूत्र में चतुर्थ प्रथम अंत चतुर्थ पात्र प्रथम अंत चतुर्थ पात्र द्वितीय या तृतीय अधिकरण शंख शंख उपशंग अधिकरण वहाँ पे इस बात को लेकर के जस्मिन पंच पंच जना तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं आप यहाँ को पच्चीस तत्व दिखाई दे रहे मंत्र आपको तो संस्कृत आता है ना यस्मिन पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठित पाँच पाँच पच्चीस वो हो गया और जो है जस्मिन पंच आकाश भी है उसमें और फिर एक जिसमें वो प्रतिष्ठित है तो सत्ताईस तत्व हो गया पच्चीस तत्व कहाँ मिला जिसमें हो गया है ना पच्चीस तो जस्मिन पंच पंच जन पाँच पाँच की जो है वो और आकाश आकाश शब्द कश्मीन करो आकाश हो तस्वस्व हो आकाश जिसमें हो अक्षर तत्व उस आकाश में जिसमें उत्पत्त है फिर उसी के प्रसंग का वेदांत में है ही कि वो सत्ताईस तत्व हमारे सिद्धांत के अनुसार प्राप्त होता है और तुम पच्चीस तत्व बोल रहे हो और पच्चीस तत्व है हमारा सिद्धांत उसको पुष्ट करने के लिए आप ही इस रूपी वाक्य को उद्धृत करते हैं परंतु जरा संस्कृत को ठीक से देख लीजिए कि यहाँ पे भगवान भाष्यकार यहाँ पे प्रपंच उपशम जस्मिन है ना इससे क्या हो गया कि आत्मा के कभी अभाव नहीं होता एक चीज प्रकट किया आत्मा अभावत्म बहुत विहीना प्रत्युदश्यते आत्मा के अभाव को बहुत भी समाज को दिखा करके उसका भी निराकरण कर दिया गया परंतु प्रपंच को समाज अद्वय इन दोनों में कोई एक ही अर्थ हो गया बोलते नहीं नहीं हेतु हेतु मत भावे न पुनरुक्ति विशेषण विशेषणयोर व्याशेधति एक हेतु है और एक हेतु मत है एक कार्य कारण भाग मतलब क्योंकि वहाँ पे प्रपंच उपशम है इसलिए वो भेद रही थे क्योंकि प्रपंच के उपशम है वहाँ पे इसलिए वो भेद रही थे यहाँ पे हेतु हेतु मत भावे ना कि प्रपंच के उपशमता है हो गया हेतु और ये हेतु का फल क्या हो गया वहाँ पे कोई भेद नहीं है इसलिए अद्वय इसलिए हेतु हेतु मत भावे ना पुनरुक्ति विशेषण ये दो विशेषण के अंदर आत्मा अयम अयम आत्मा ही हो गया विशेष इसका दो विशेषण हो गया प्रपंच उपशम अध्यय ना ठीक है प्रपंच उपशम अध्यय दो विशेषण में पुनरुक्ति दोष दिखाई दे रहे होते नहीं नहीं क्योंकि प्रपंच के उपशम आत्मा में है इसके लिए आत्मा भेद नहीं ठीक है ये समझ में आ रहा है देखिए शब्दों को कितना सुंदर समझा रहे हेतु हेतु मद भावना पुनरुक्ति विशेषण योर व्यसे इन दोनों विशेषणों में पुनरुक्ति दोष नहीं है क्योंकि क्योंकि आत्मा में सारा प्रपंच लय हो जाते हैं इसीलिए आत्मा हमेशा भेद रही है ये इसलिए क्या शब्द करके अतएव अद्वय इसलिए आत्मा भेद नहीं है। अब देखिए आगे बोल रहे हैं कि टीकाकार सम्यक दर्शन अधिकारिण दर्शितान उपसंहरति सम्यक दर्शन के जो अधिकारी लोग है ये जो अधिकारी नो में कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए द्वितीय द्वितीय बहुवचन कैसे पता लगा आपको हाँ दर्शन ये जो बोला ना सम्यक दर्शन अधिकारी नो दिखाया गया है सम्यक दर्शन के लिए अधिकारी कौन है उन लोगों को अभी यहाँ पे उपसंहार करते अभी उपसंहार करते थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने से आपको देखना शब्द अर्थ भी स्पष्ट होता जाएगा विभक्ति के साथ स्पष्ट होता जाएगा सम्यक दर्शन अधिकारी न दर्शितान उपसंहरति जो सम्यक दर्शन का अधिकारी कहाँ दिखाया गया है वितराग भय क्रोध सम्यक दर्शन के अधिकारी कौन है इन लोगों को जो दिखाया गया आप उसको उपसंहार करते हैं सम्यक दर्शन अधिकारी न दर्शितान उपसंहरति है ना उसको आप उपसंहार करते हैं क्या बोलते हैं भाष्य में विगत दोषेन एव पंडिते वेदांत अर्थ तत्परे सन्यासी भी परमात्मा द्रष्टुं शक्यो न अन्य ही श्लोकों के बाद कौमा कर दे फिर हम आगे जाएंगे ठीक है तो इस श्लोक को उपसंहार करने के लिए क्या बोलते हैं विगत दोषेन एव है ना जिसके अंदर से आत्मज्ञान के प्रतिबंध जितना दोष है वो निकल गए हों उस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है उन प्रतिबंधक रूपी दोष निकल गया जिन व्यक्तियों से उन व्यक्तियों के द्वारा देखिए छोटा सा एक शब्द है संस्कृत भाषा में इसको अर्थ करने के लिए हम कितना लंबा सेंटेंस बोलना पड़ रहा है
विगत दोष ही इस शब्द बोलने के लिए हमको क्या बोलना पड़ रहा है, कितना लंबा शब्द कि आत्मा आत्मज्ञान में प्रतिबंध बैठा हुआ जितना दोष उन सभी दोष निकल गया जिन व्यक्तियों से उन व्यक्तियों के द्वारा। तब तक समझ में आएगा एक छोटा सा पद में संस्कृत एक शब्द में कितना लंबा संयोजन चल जाता है। उन व्यक्तियों के द्वारा ही एवं उन व्यक्ति द्वारा ही कौन है पंडित ही आत्मसंबंध निष्ठा रहने कारण वेदांत अर्थ तत्पर वेदांत में जिस विषय को कहा गया है उसको जानने के लिए तत्परता तस्मिन परता की तत्परता मतलब उसी में ही निष्ठा टोटल कमिटमेंट इसको तत्परता तस्मिन परता तत्परता उसको उसमें ही केवल निष्ठा लगाकर उन व्यक्तियों के द्वारा ये कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है सन्यासी भी जो जगत प्रपंच के साथ संबंध कर रहा है उस सन्यासियों के द्वारा ही परमात्मा द्रष्टुं शक्य परमात्मा देखने के लिए समर्थ हो जाए परमा इन व्यक्तियों के द्वारा ही नी उपसर्ग पूर्वक अस्थातु है अस्थातु थ्रो अर्थ होता है थ्रो अर्थ थ्रो अर्थ सेकंड कंडीशन को अस्थातु करते बेबी हाँ तो नी निशेषण त्यक्त हजे न सर संन्यास अब उसको कहेगा सम भी है सम और नी रूप से लगता है सम मतलब सम्मत रूप विचार करके सम्मत रूप से विचार करके निशेष होते हैं कुछ भी डिमेंडर नहीं बसे आपने लिए इस प्रकार के व्यक्ति को संन्यास जागतिक संपूर्ण वस्तु का संबंधित वासना क्या थ्रो करे मन में जितना अपने अपने आत्मज्ञान में जो प्रतिबंधक बैठा हुआ है उस प्रतिबंधक को है इसी को छोड़ना पड़ेगा परिच्छिन्नता आत्मबुद्धि अहंकार जो प्रतिबंधक शब्द बैठा हुआ ये त्याग कर दिया तो विगत दोषे एव पंडित ही वेदांत अर्थ तत्पर है वेदांत में जिस विषय को कहा गया है उस विषय में तत्व जानने के लिए तत्पर है जो व्यक्ति उन व्यक्तियों के द्वारा वो कौन हो सकता है उसको छोटे शब्द के बोल दिया सन्यासी भी है ना संभव रूप से सम उपसर्ग है और निपसर्ग है और अस्थापित है ना सम्मत विचार पूर्वक विशेषण त्याग कर दिया व्यक्ति सन्यासी और सन्यासी प्रतिबंधित बनते हैं विदाउट कीपिंग एनी डिबेट टोटली सन्यासी भी हमको परमात्मा दृष्टि उनके द्वारा ही परमात्मा को देखा जाए यहाँ पे कॉमा कर दे रहे हैं न अन्य इसके इससे विपरीत व्यक्ति के द्वारा तत्व तो साक्षात करना संभव नहीं है क्यों क्योंकि रागादि कलुषित चेत भी राग देशादि दोष के द्वारा अभी भी कलुषित है जिन लोगों की चित्त उस प्रकार के व्यक्तियों के द्वारा देखिए राग आदि कलुषित चेत भी बहुत भी समस्या पहले राग देश काम को इस प्रकार दोषों के द्वारा कलुषित है जिन लोगों की चित्त वो हो गया राग आदि कलुषित चेत और अब फिर तही मतलब उसके लिए राग आदि कलुषित चित्त चेत भी है ना वो राग आदि दोष के द्वारा कलुषित हो गया जिन लोगों की चित्त तो मन उन प्रकार के व्यक्ति के द्वारा न अन्य अन्य का अर्थ कर दिया अन्य जो आपने न अन्य अन्य का अर्थ क्या कर दिया राग आदि कलुषित चेत भी स्वपक्षपाती दर्शन ही केवल मतलब अपने सिद्धांत के द्वारा जिसको हमने बनाया उसी को ही पक्षपात उसी को ही पुष्ट करने लगे शास्त्र विचार नहीं करते तार्किक आदि भी केवल तर्कों के द्वारा पुष्ट करके अपने दर्शनों को उस तार्किक आदि के द्वारा इति अभिप्राय इस अभिप्रायों के द्वारा एकत्र दर्शन होना संभव नहीं है। जब हमने पहले से अपने सिद्धांत को वेद को आधार पर बनाया और उसी को पुष्ट करने में लग जाएंगे तब क्या हो जाएगा हमेशा भेद चिंता ही बन जाएगा तब अद्वित दर्शन कैसे जब हमने अपने दर्शन को भेद के आधार पर ही बनाया और अपने दर्शन को पुष्ट करने के लिए उसका अनुकूल तर्क भी हम लाएंगे किसकी किस आधार पर भेद दृष्टि का आधार नहीं लाएंगे और चिंतन मन में भेद दृष्टि मुक्ति नहीं तो अद्वैत दर्शन तार्किक जो है स्टैंड अलोन है या इन लोग से एनी तार्किक इसी रूप में मैं तो द्वैतवादियों के तरह तार्किक शब्द द्वैतवादियों को जाना पड़ेगा द्वैतवादियों के तरह अद्वैत दर्शन कैसे हो सकता है इस अभिप्राय से यहाँ पे बोलते हैं कि तार्किक तार्किक आदि भी रीति अभी तार्किक आदियों के द्वारा अब इसके टीका करते के अर्थ क्या बोलते हैं कि अतएव हो गया सम्मत दर्शन अधिकारी न दर्शितान उपसंहरति विगत हो गया अनधिकारी को दिखाते हैं अनधिकारी नो दर्शयन वैशेषिक
वैनाशिकादि शास्त्र अभिज्ञान अपि तद अंतर्भाव सूचयति। वैशेषिक हो गया, इनको अर्धवैनाशिक बोलते हैं। अर्धवैनाशिक बोलते हैं कि वो वेद बना क्षणिक विज्ञान का तो क्षण क्षण विषय होता है, वैनाशिक हो गया बौद्ध दर्शन को, और न्याय वैशेषिक दर्शन का अर्धवैनाशिक होता है, वैशेषिक दर्शन होता है। अनधिकारी ना, जो द्वैत अभी तक है भेद दृष्टि को मिटा नहीं पाया, इसीलिए वो लोग अनधिकारी इसमें अनधिकारिनो दर्शयन, अनधिकारिनों को दिखलाते हुए, द्वितीय बहुवचन अनधिकारिनो दर्शन दिखलाते हुए वैशेषिक वैनाशिकादि, वैशेषिक हो गया नए वैशेषिक दर्शन, और वैनाशिक हो गया बुद्ध विचार, वैनाशिकादि शास्त्र अभिज्ञान, इस प्रकार के शास्त्र में अभिज्ञता होने पर तद अंतर्भाव, उसी का अंतर्भाव न तो अद्वैत दर्शन नहीं हो पाता, इसको सूचित करने के लिए न अन्य रागादि कलुषित चेत भी स्वपक्षपाती दर्शन तार्किक आदि भेदी अभिप्राय, इसका अभिप्राय इस प्रकार से जो है 35 प्रमाण को पूरा होता है। अब जो है आदि के आगे का साथ क्या संबंध है, उसको लिखित टीका पर बोलते हैं। मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कारा वेदांत अर्थ तत्परिवतम पंडितानाम अपि न अद्वैत प्रत्यय दाढ़्यम सिद्धति इति आहुता। देखिए ठीक है, आपने जो है अद्वैत तत्व संबंधित ज्ञान प्राप्त किया, परंतु जन्मांतरी संस्कार द्वैत में इतना प्रबल बैठा हुआ है कि वहाँ पर स्थिर रहना मुश्किल पड़ता है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रह्माभ्यास अद्वैत चिंतन में मन को लगा के रखना पड़ेगा, अद्वैत चिंतन में मन, इसीलिए आपको जो है जीवन मुक्ति का आनंद का घेरा है तो बस अद्वैत भाव में बैठे उसको बोले। देखिए मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कारा, मिथ्या ज्ञान मतलब जगद्वैत बुद्धि भेद का, ये भेद ज्ञान की जो समूह प्रचय मतलब समूह, और उसका जो संस्कार वो इतना अनेक है, इसे प्रचय मतलब मिथ्या ज्ञान प्रचय संस्कार, मिथ्या ज्ञान समूह का तीन नंबर टिप्पणी में देखिए प्रचय इति दाढ़्यम इति अर्थ, उसकी दृढ़ता इतना होने के कारण जो उसका संस्कार से वेदांत अर्थ तात्पर्य मतलब वेदांत के अर्थ को तत्परता रखने वाले पंडितानाम अपि, क्योंकि वहाँ पे बोल क्या है ना कि पंडित ही वेदांत भाष्यकार की पंक्ति देखिए, विगत दोषे एव पंडित वेदांत अर्थ तत्पर, ये होते हुए भी जन्मांतरी संस्कार कभी प्रबल होता है आप वहाँ पर स्थिर नहीं रह पाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं मिथ्या ज्ञान प्रचय, मिथ्या ज्ञान की जो मतलब समूह है ना उसका संस्कार इतना दृढ़ होता है कि वो आसानी से नहीं होता। जो बोलते हैं वेदांत अर्थ तात्पर्य बताऊँ पंडितानाम अपि, वेदांत अर्थ के तात्पर्य को समझने वाले पंडितों के द्वारा भी न अद्वैत प्रत्यय तथा अद्वैत में दृढ़ प्रत्यय नहीं आता, निषिद्ध होता है, ऐसा कोई शंका करते हैं, इसलिए बोलते हैं आपको क्या करो, तस्मा हमारे ये श्लोक तस्मादेवं विदित्वैना अद्वैते जो जये स्मृति, अद्वैते जो जये स्मृतिं अद्वैतं समनु प्राप्य, अद्वैतं समनु प्राप्य जड़वद लोकमाचरे, जड़वद लोकमाचरे तस्मादेवं विदित्वैना मद्वैते यो जये स्मृतिं अद्वैतं समनु प्राप्य जड़वद लोकमाचरे। तस्मा इसलिए क्योंकि जन्मांतर संस्कार और वो जो है इस एकत्र भाव में स्थिर होने लगे, और उसके साथ जो हमारे उसका छोटे छोटे लोग वासना देह वासना की संस्कार नहीं होगा, क्योंकि वो जो हमने पितुपस्थित पुरुष तो नहीं है और अगर क्या हो जाएगा वैराग्य के द्वारा तत्व प्राप्त, किंतु लोग वासना देह वासना उन पर उसे नहीं करता, फल तो क्या होता है कि देह को रक्षा करने के लिए मतलब शास्त्रीय पद्धति अथवा लौकिक पद्धति मतलब अपनाते हैं, ये लोग प्रश्न भी होते हैं कि सभी कुछ ना कुछ करते हैं, ये सब चीज़ जो है अद्वैत भाव में स्थिर होने के लिए प्रतिबंध बन जाते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए उसको बोलते हैं तस्मा एवं विदिता, एनम एवं विदिता, इस आत्मतत्व को इस प्रकार से जान करके, एनम एवं विदित्वा इस आत्मतत्व को मतलब आत्मा सर्वथा भेद नहीं करते इस प्रकार से जान करके क्या करना चाहिए, अद्वैते स्मृति योजिए
भेद रहित स्थिति में ही अपनी स्मृति को अपने संस्कार को बार 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 वही पे लगाना चाहिए। स्मृति मतलब देखा विविध है, स्मृति मतलब हमने क्या बोला, दृढ़ निश्चय करके निष्ठा करके रहना। स्मृति मतलब दृढ़ निष्ठा के साथ निश्चय करके रहना। अद्वैती है, भेद नहीं है। स्मृति अद्वैत स्मृति युवोदय अद्वैत भाव में अपनी जो है दृढ़ निश्चय निष्ठा करके अपनी स्मृति को जोड़ करके बुद्धि को जोड़ करके रखनी चाहिए। इस प्रकार से अद्वैतम समानुप्राप्य अद्वैत भाव को सम्मत रूप से प्राप्त करके जड़वत लोगों का जड़ की तरह मतलब अपने को ख्यापन नहीं करना है कि मैं इस अद्वैत भाव में बैठा हुआ हूँ। बस जड़वत फिर पिशाचवत बालकवत इस प्रकार कई भाव तो अपने आप ही हो जाता है। और इन शास्त्र न अपृष्ट कश्चित भूया न चन्नये न पृष्ठ न अपृष्ट कश्चित भूया जिसको पूछे नहीं जाए तो कभी नहीं बोलना चाहिए। न च अन्नये न पृछत वृद्धिवश नहीं आते अपने आप को भी बोलते महाराज नहीं बोलो नहीं बोलना चाहिए। विज्ञानन अभी विद्वान जड़वत लोग आचरे जानते हुए भी विद्वान पुरुष को जड़ की तरह समझा के मतलब अपने विद्वता को ख्यापन नहीं जड़ के मतलब ये नहीं कि अब लकड़ी के पत्थर की तरह पत्थर भीमा की तरह पड़े रहो। अपनी विद्वता को ख्यापन नहीं करते जो आदमी ऐसे पूछते रहते हैं विदाउट एनी नॉलेज विदाउट एनी इंटेंशन तो उसको भी क्या बोलेगा ज्ञानी उसका बोलेगा मुझे पता नहीं है मुझे पता नहीं है मैं नहीं जानते मैं कुछ पूछ के हैं कभी नहीं बोलना चाहिए। आप देखिए हम बोलते हैं अद्वैत समानुप्राप्य अद्वैत भाव को सम्मत से प्राप्त करके जड़वत लोक में आचरण जड़ की तरह लोक में विचरण करना चाहिए। इसलिए तो अंतिम ने पूछा गीता का एक लाइन भी यहाँ पे तस्मादेव दीते न बोलेंगे हम तो दसमा टीका में लिखे बोल रहे हैं तस्मात् पहले तस्मात् एवं वेदित वैनम अद्वैते योगे स्मृति इस प्रकार इस भाव को अद्वैत भाव को जानते हैं तो उन्हीं में उसी में मन की स्मृति ने ध्यान को लेना तो उसमें दृढ़ निष्ठा का स्थिर रहना योगे स्मृति जो है हाँ योगे स्मृति बोलता है निधिध्यासन रूपा निधिध्यासन रूपा मतलब क्या है निधिध्यासन मतलब ध्यान नहीं है मनन ही आपका ध्यान है। मनन के द्वारा सारा संशय विपर्य निकल जाने का जिस निश्चय में आपने पहुंचा वो निश्चय में दृढ़ रूप में स्थिर रहना क्रियापद है वहाँ योजना मतलब जोड़ना चाहिए जोड़ना चाहिए क्या अद्वैत अद्वैत भाव में आपने स्मृति स्मृति मतलब कि जो संस्कार आया हुआ है जो आपने समझा जिसको स्मृति कब होगा अनुभव का स्मृति होती है अनुभव का स्मृति होती है अनुभव के बिना स्मृति नहीं होगा। ये जो अद्वैत तत्व का आपने अनुभव किया उस अद्वैत तत्व में ही मन को जोड़ के रखना चाहिए यही निधिध्यास मतलब स्थिर करके रखना चाहिए बस यही निधिध्यास। आपने बोले निधिध्यास किसी को निधिध्यास बोलते हैं निधिध्यास मतलब ध्यान पे मतलब ये नहीं है वेदांतिक सिद्धांत कुछ समझ नहीं पाते कभी कभी सब कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब आगे टीका कर बोलते हैं शास्त्रा अद्वैत अवगम्य स्मृति संतति पूर्वत लोकान अनुवर्तने विधि नियम आह। देखिए शास्त्र से अद्वैतम अवगम्य शास्त्र से अद्वैत भाव को समझ करके स्मृति संतति जो हमारी विचार की धारा मन में चलता रहता है ना उस विचार धारा को उसी में पूर्वत करते हुए पूर्वत होने करते हुए लोक अनुवर्तते लोकान अनुवर्तते लोगों को अनुवर्तन करना चाहिए। उसके लिए कैसे करेंगे विधि नियम आह मतलब नियम विधि आह टिप्पणी चार नंबर टिप्पणी क्या बोल रहे हैं नियम विधि किसको बोलते हैं तीन प्रकार की विधि है अपूर्व विधि नियम विधि परिसंख्यान विधि अपूर्व विधि नियम विधि परिसंख्यान विधि अपूर्व विधि मतलब जो और किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है उसी को जो है मतलब वहाँ पे आपको बोला ब्रीना जजेत इस बात को मैं ब्री के द्वारा ही आपको जजन करा पुष्ट भी आपको कैसे प्राप्त नहीं हो शास्त्र में परंतु उस ब्री का जो है तुष जब आपको हटाना है वो तुष को कैसे हटाएंगे आपके पास मशीन है नखून है टूटना है कई विकल्प है उनमें से जब एक को निश्चय करते हैं तब वहाँ पे बोलते हैं
कीर्तन बिल्कुल उठना ही चाहिए, उठ के ही निकालना चाहिए उसको, नखुन विदरण मशीन विदरण नहीं करना चाहिए, ये नियम विधि है। अनेकों प्राप्तों में से यदि एक को निश्चय करके देते हैं वो है नियम विधि। और परिसंख्यन विधि क्या होता है, अनेक मतलब निषेध में तात्पर्य है परिसंख्यन विधि का, और नियम विधि का तात्पर्य एक में दिखाना, मतलब नहीं कर, नहीं कर सकते तो अच्छा है, यदि नहीं करके नहीं जाए पर तो इतना मत हो गए। परिसंख्यन बोलते हैं अनेक बस, मतलब उसका निषेध में तात्पर्य है, मतलब आपको ये काम नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा आदि खाना नहीं चाहिए, यदि आप बिना खाए नहीं रहेगा तो ठीक है, चाहिए जंगल में जा रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा है तो इस प्रकार की वस्तु पंच पंच राघव साक्षण्य की शब्द की बोला पाँच नाम बोला हुआ है, जो लोगों को खाने की इच्छा है तो उसका निषेध भी तात्पर्य होता है। अपूर्व मतलब आप शास्त्रीय परिभाषा याद रखोगे विषय को समझ, अपूर्व मतलब जो और किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता है, वो जो आपको विधान करते उसको तो अपूर्व भी दे। अनेक नियम अनेक प्रकार अल्टरनेटिव है आपके पास, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इसमें जब किसी एक को नियम कर देते हैं तो होता है नियम विधि। और परिसंख्यन विधि मतलब क्या होता है कि आपको अनेक में से एक को कुछ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि नहीं करना चाहते मतलब उसके द्वारा नहीं रहा जाता है तो ठीक है, इतना मत कर सकते। अपूर्व मतलब जो अपना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होता, अन्य किसी जगह से प्राप्त नहीं होता, दधना विरोधी विहीना विरोधी इस प्रकार का शास्त्र से प्राप्त होता है, यह तो अपूर्व विधि। तो यहाँ पे नियम विधि बोल रहे हैं, नियम विधि मतलब कहे आपको जीवन धारण करने के लिए आपकी मृत्यु अनेक प्रकार की विकल्प है आपके पास, परंतु शास्त्र क्या बोलते हैं त्याग के माध्यम से संन्यास के वृत्ति से आत्मचिंतन करते हुए यही जीवन को देता नियम करके, नियम करके संन्यास को इसके लिए नियम को देता है। बोलते यहाँ पे कि शास्त्रात् अद्वैतम अवगम्य, शास्त्र से भेद रहित स्थिति को संभव रूप से समझ करके अब जो है स्मृति संत्यति पूर्वक उसी में आपको मन को लगा के रखने वाले व्यक्ति को लोकन अनुवर्तने, लोक की अनुवर्तिता में लोक व्यवहार, लोकन अनुवर्तन लोक व्यवहार में लोक अनुवर्तने विधि नियम, विधि का नियम विधि को बोलते विधि को जानना पड़ेगा, नियम विधि कैसे आपको लोक व्यवहार करना चाहिए ऐसा उसको बोलते हैं। जड़वत लोग आचरे जड़ की तरह लोग विचरण करना चाहिए, तस्मात् अस्य अर्थम है जो ऊपर आया हमारे श्लोक में जब तद संबंध जस्मात् पद से उसको मतलब तस्मात् का क्या अभिप्राय है उसको समझाने के लिए भगवान भास्कर ने जस्मात् सर्व अनर्थ प्रसम रूपत्वात् अद्वयम शिवम क्या बोला है, तस्मात् अद्वैता शिवम, जितना भी हमारे दुख के कारण है भेद बुद्धि दुख का कारण होने के कारण, भेद दुख का कारण क्या है भेद बुद्धि, इसलिए भेद बुद्धि को मिटाना चाहिए, क्योंकि भेद बुद्धि आपका दुख का ऐसे हो जाए जस्मात्, क्योंकि सर्व अनर्थ प्रश्न समस्त दुख को निवारण के उपाय होने के कारण अद्वयम शिवम अद्वैत ही कल्याणकारी है, क्यों क्योंकि भय रहित है अभय, अतः एवं विदिता इसे तस्मात एवं विदिता इसको निश्चय करके जान कर विदिता एनम अद्वैते स्मृति जो जय इस अद्वैत स्थिति में अपनी स्मृति को अब तक जो आपने अनुभव किया उसी को बार बार दोहराना चाहिए, स्मृति जो जय उसको बार बार दोहराना चाहिए। हर्षो करते अद्वैत अवगमाय एवं स्मृति कुर्यात इति अर्थ, अद्वैत भाव में बना करके रखने के कारण ही अपने भाव को बना करके बार बार स्मृति मतलब जिसको आपने अनुभव किया उसी को ही दोहराते रहिए, अनुभव को दोहराते रहिए, इसके बोलते हैं अवगमाय एवं स्मृति कुर्यात इति अर्थ, तच्च अद्वैतम अवगम्य, इस प्रकार अद्वैत भाव को अच्छी तरह से समझ करके अहमस्मि परम ब्रह्म मैं ही उस असंग व्यापक शुद्ध तत्व इति विदित्वा इस प्रकार जान करके अशनायादि अतीतम भूख प्यास रहित साक्षात अपरक्षम, जो साक्षात अपरक्ष ब्रह्म जिसको किसी इंद्रियों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता, इस प्रकार की जन्म रहित जो आत्मा है अजम आत्मानम सर्वलोक व्यवहार अतीत, ये आत्मा में किसी भी प्रकार की लोक व्यवहार होना संभव नहीं है, सारा लोक व्यवहार परिच्छिन्नता में होने शरीर आत्मा बुद्धि का ही लोक व्यवहार होते हैं, बोलते हैं सर्वलोक व्यवहार अतीत जड़वत लोक वांचित, जड़ के समान लोक व्यवहार करना चाहिए, जड़ के समान मतलब पत्थर की तरह पर आराम किया नहीं, देखो बोलते हैं उसका अर्थ करते हैं
अप्रख्यापयन आत्मानं अहम् एवं विध इति अभिप्राय, अपने को ख्यापित नहीं करता हुए, मार्केटिंग नहीं करता हूँ वर्तमान से भी, मार्केटिंग करता है मैं ज्ञानी हूँ कौन लोगे, ये सब नहीं करते हुए, ये तो ये सब हमारा जिस माध्यम का उपयोग कर रहे हैं एक तरह मार्केटिंग ही है ये, लेकिन एक तरह नहीं है कि भाई उसका ठीक है किसी का हित के काम आता है, परंतु जो है अप्रख्यापयन मतलब अपने को ख्यापित नहीं करते, इसको आत्मान अपने को ख्यापित नहीं करते, अप्रख्यापयन आत्मान में दित्त हुआ है, अप्रख्यापयन दो का दो नकार दिखाई दे रहे हैं, आत्मान अपने को कैसे अहम एवं विधोति, मैं इस प्रकार का हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है कौन भी हुए, ऐसे नहीं ख्यापन करना चाहिए, अभी भी इसी को जड़ोवत बोला जा रहा है, जड़ोवत गुण खाना चाहिए, जड़ोवत गुण खाने के अभिवेश का भी उपयोग करते हैं, ठीक है यही फिर है कि कल टीका आज कौन सा करेंगे लास्ट वाला तीसरा वाला हाँ शांति शांति शांति।